हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके का एक प्रोडक्ट है दोस्तों, कोकोनट, टिंडर कोकोनट। ये जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैं कुछ दिनों से वीडियो इसी ने नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश आया हुआ, तो मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा था। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो आपसे टिंडर कोकोनट की बात करने वाला हूँ। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ की मंडी में आप इसका एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और अगर दिमाग लगाएंगे तो वो हाफ भी हो सकता है। तो आज मैं आपको कोकोनट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कैसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपने शहर की मंडी में जाकर के, आप किस तरीके से उसको सेल कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा मैं बता ही जाऊँ, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे मार्केट में जो कोकोनट है वो 3 ग्रेड में डिवाइडेड है, ए बी सी। ये मैं आपको पहला बता रहा हूँ, ए ग्रेड है टेंडर कोकोनट, सोर्स आंध्र प्रदेश। वेट इसका 1.8 केजी से 2 केजी के बीच होता है, और जिसके अंदर वाटर पाया जाता है वो 300 से ऊपर होता है, और प्राइस इसका 18 रुपये कोट किया जाता है। इसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस साइज़ का ये होता है। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े होते हैं और इनके अंदर 300 ml के ऊपर वाटर निकलता है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपए के आसपास है। चलिए अब फटाफट आपको बी ग्रेड के बारे में बता देता हूँ। वही सारी चीज़ें हैं, टिंडरगट कोकोनट आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका वेट जो होता है वो 1 किलोग्राम से 1.5 केजी के बीच में होता है, और जिसमें पानी पाया जाता है वो 200 ml से 300 ml के बीच में होता है। इसका जो रेट कोट किया जाता है वो 14 रुपये पर पीस के हिसाब से किया जाता है। मतलब जो एक पीस होगा वो 14 रुपये का ये लोग काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसी के साथ में आपको इसकी थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये बी ग्रेड का है, 200 से 300 के आसपास इसमें पानी पाया जाता है। इसकी जो रीसेल वैल्यू है मार्केट में वो 25 से 26 रुपए मंडी में बिक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सी ग्रेड के बारे में फटाफट बता देता हूँ। सारी चीज़ें वही हैं, वेट इसका 1 से 1.3 ग्राम के आसपास होता है, वाटर जो होता है 100 से 150 ml का होता है, और जो प्राइस इसका काउंट बोलते हैं फार्मर, वो 13 रुपये का बोलते हैं। 13 रुपये, ये जो क्वालिटी होती है वो एक्चुअली थोड़ी सी दिखने में गंदी लगती है, मतलब उसमें दाग धब्बे पड़े होते हैं, थोड़ा सा डैमेज पीस दिखाई देता है। जनरली इसको लोग जल्दी नहीं खरीदते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सी ग्रेड का चाहिए होता है तो 13 रुपये कोट करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको जो है इसकी थोड़ी बहुत पिक्चर भी दिखा देता हूँ, जब आप पिक्चर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी पिक्चर्स देखिए, ये दोस्तों थोड़ी सी सी ग्रेड की पिक्चर्स हैं। वैसे तो सी और बी में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो रिजेक्टेड पीटे तरीके से कह लें वो सी ग्रेड में किसान इनको डालता है, ये हैं वो सारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ए बी सी तीनों ग्रेड दिखा दिए हैं। अब चलिए मैं आपको जो कहते हैं काम की बात, जिसको बोलते हैं, या मंडियों को लेकर के बात करने की, या बिज़नेस किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और दिल्ली मेरा ऑफिस है, तो मैं जो सारी चीज़ें बताऊंगा वो आपको यूपी के हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, जैसे अगर लखनऊ मंडी की बात करें तो मैंने आपको ए ग्रेड का जो बताया था उसकी जो मंडी की बात करूँ मैं, वो 32 से 34 रुपये के आसपास बिक जाता है। पूरे यूपी की अमूमन यही मार्केट रहती है। बी ग्रेड वाला आपका 25 से 26 रुपये का बिक जाता है। सी ग्रेड वाला दोस्तों मंडी में काउंट ही नहीं होता है। एक्चुअली ये एक तरीके का खेल है। अमूमन हमारे जैसे लोग करते क्या हैं, वो ओ ए ग्रेड और बी ग्रेड का मिक्स लेते हैं, जो किसान फिर हमको उसका प्राइस देता है वो 16 रुपये होता है, और हम उसको मंडी में ले जाते हैं, जैसा हमको रेट मिलता है मिनिमम ये मान के चलिए 26-27 रुपये में बेच देते हैं। अब अगर बात करें तो किसान से अगर हम लेते हैं बी ग्रेड और ए ग्रेड का मटेरियल, अगर हम मिक्स करा करके लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किसान के भी हाथ में नहीं होता, जैसा आपने फ़ोटोज़ में देखा वो गुच्छे में लगे होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ते समय वो उसको कैटेगराइज़ नहीं कर सकते हैं, वो जैसा तोड़ेंगे वैसा ही डाल देंगे, लेकिन फिर भी
उनको अपनी क्रॉप के बारे में पता होता है, क्योंकि वो फार्मर है तो उसको पता है भाई नारियल कितना बड़ा हो गया कितना बड़ा नहीं हुआ है। इस ये एक तरीके का फर्जीवाड़ा भी है दोस्तों, इससे आपको बचना होगा। अगर आपको कोई कहता है कि ए ग्रेड है तो उससे रिटर्न में ज़रूर लीजिएगा कि भैया फिर मुझे ए ग्रेड का चाहिए तो फिर ए ग्रेड का ही चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप कोरोना पीरियड चल रहा है, आप दिल्ली में बैठे हो, आपको सामान गुजरात से लेना है, आंध्र प्रदेश से लेना है या जहाँ कहीं से भी लेना हो, आपके सामने वो लोडिंग नहीं हो रही है। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बैंक गारंटी के एक बार बताया था, उसके बाद आप जो भी आपका मीडिएटर है उससे 20-30% सिक्योरिटी ले सकते हैं। मान लीजिए माल डैमेज हुआ या कुछ भी हो जाता है, 30% आप सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, और जब माल लोड हो रहा है उस समय जो है वीडियो कॉल या इन सब तरीकों से आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंडी की, जो मैं बता रहा था आपको, मंडी में माल आपका ए ग्रेड और बी ग्रेड ही बिकता है। तो अब ए ग्रेड माल हम लेकर के जाएंगे तो भैया वो हमको महंगा पड़ेगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू भी मंडी में ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो स्टार्ट करिए वो ए ग्रेड और बी ग्रेड को मिक्स करा करके करिए। आप किसी भी फार्मर से बात करिए, या मैंने भी अभी अपना ट्रक तो भेजा ही है फ़िलहाल, इधर मैं 12 दिन से हूँ, मैंने 2-3 ट्रक भेज दिए लखनऊ। अभी मैंने एक गुजरात ट्रक भेजा है और एक ट्रक भेजा है मैंने 12 टन का ही हरियाणा की तरफ भेजा है, तो उनको मैंने ए और बी प्लस करके दिया था। वैसे तो कहा जाए उनको जो रेट मैंने दिया था वो 15 रुपये दिया था, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिला करके अगर आप पकड़ लें तो पूरे यूपी में कहीं भी अगर आप ट्रक ले जाते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 22-23 रुपये का ये आपको पड़ जाएगा। अब आप खुद ही काउंट कर सकते हो कि भाई 1.5 से 2 केजी का अगर पीस है या 1 केजी से 1.5 केजी का पीस है तो कितना आता है। अब इसमें भी एक खेल होता है दोस्तों, खेल ये होता है कि भाई मान लीजिए 12 टन का ट्रक है, उस पर आप ड्राइवर को सेट कर लीजिए, तो ड्राइवर जो होता है वो 12.5 टन जो है माल उस पर लोड कर लेता है। इससे होगा क्या, आपको 12 टन का आपने पैसा दिया लेकिन जो उसमें पीसेस की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अगर हम जनरली बात करें तो 10 टन की गाड़ी में 6,000 से 6,500 पीस और 12 टन की बात करें 7,000 से 7,500 पीस। ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभार बड़े पीस भी होते हैं छोटे पीस भी होते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है हमको, लेकिन इतना तो आ ही जाता है ये मान के चलिए। और जो खेल अभी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाला बताया, अगर ट्रांसपोर्ट आप रेगुलर बेस पर बुक करते हैं तो रेट आपको और सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कोकोनट का बिज़नेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पीरियड है। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया अब सीज़न चेंज हो रहा है और ये नहीं बिकेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक ये कोरोना इंडिया में रहेगा तब तक ये नारियल बिकता रहेगा, इसकी सर सेल कम नहीं होगी, ये मान के चलिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब आप ये कहेंगे सर मैं मंडी में सेल कैसे करूँ। जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको मंडी में सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे पास खुद मंडी का लाइसेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मैं बिज़नेस करता कैसे हूँ। मैं अपनी लखनऊ की दुबग्गा मंडी है, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे जो बिज़नेसमैन थे मैंने उनसे बात की कि सर मैं आपको ट्रक ला के दे रहा हूँ, आपको 1 रुपये भी नहीं लगाना है ट्रक के ऊपर, सारी चीज़ें मेरी, बट मंडी के अंदर जो ट्रक एंटर होगा वो आपके नाम से होगा और उसके बदले में मैं आपको पर ट्रक 5,000-6,000 जैसा भी सेट हो जाए दोस्तों आपसे, आप उसको सेट कर लीजिए। अब रही बात बिकने की, तो मैं आपको बता दूं आप किसी भी इतनी बड़ी मंडी में जाते हैं तो आपका 12 टन का टन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कमीशन बेस पे नहीं रखना चाहते हैं किसी को तो आपके पास एक तरीका और भी है, आप डायरेक्ट वहीं पर बायर बना लीजिए, आप वहाँ पर जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि उनको 23 रुपये के आसपास अगर आप रेट देते हैं, मान लीजिए आप एक ट्रक पे 50 पैसे भी अगर कमा रहे हैं, कुछ 1 रुपये भी कमा रहे हैं, तो 7,000-8,000 रुपये या 6,500 रुपये एक ट्रक पे आपको बच रहा है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैक्सिमम आपका 6,000 से लेकर के कम 8,000-9,000 रुपये के बीच में आपका एक ट्रक पे बनेगा ही बनेगा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिस बायर से बात कर रहे हैं उससे भी पैसा ले सकते हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी कम हो सकता है। दोस्तों ये होगा तभी जब आप मंडी जाना चालू करेंगे या अपने कॉन्टैक्ट्स बना करके वहाँ जितने बिजनेसमैन बैठते हैं या आड़ती जिसको बोलते हैं हम लोग वो बैठते हैं, उनसे बात करना जब चालू करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हवा में कोई चीज़ आपके पास नहीं आ जाएगी। आप अपने शहर की किसी भी मंडी में जा करके पता कर लीजिए,
कमेंट करिए। मैंने इंस्टाग्राम भी अब इसमें डाल दिया है, फेसबुक का भी डाल दिया है लिंक, आप मुझे उस पर DM कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 3-4 लोगों ने कमेंट किया भी लेकिन पहले उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं की। दोस्तों इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपसे सारी चीज़ें रट्टू तोते की तरह आपको पढ़ा सकूँ, मैं आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकाल के देता हूँ। आपको मुझसे चाहिए आप मुझसे लीजिए, आपको किसी और से चाहिए आप किसी और से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस बिज़नेस करिए। मेरा जो मकसद है कहने का उतना ही है। तो अगर दोस्तों आपको इसका बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मंडी जाना चालू करिए, लिंक्स बनाइए, देखिए आपको बायर जो है, डायरेक्ट बायर जो है वो कितना एडवांस दे सकता है। दूसरी चीज़, आप अपने एरिए के बिग बास्केट का जो भी है वो आप वहाँ पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी बातचीत चल रही है अपने लखनऊ के बिग बास्केट वालों से, वो 500,000 पीस जो है 2 दिन के अंदर चाहते हैं, तो मेरी उनसे भी बात चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मैनेज करके ये बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है। मैंने 12 टन की जो गाड़ी अभी भेजी थी उसमें 8,000 पीस लोड हुए थे मेरे, जो टोटल कॉस्टिंग बनी थी वो 1.5 लाख रुपए के आसपास बनी थी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिला करके। अभी बारिश का पीरियड चल रहा है तो यूपी की तरफ से इधर आंध्र प्रदेश की तरफ गाड़ियां नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आंध्र प्रदेश यूपी की तरफ गाड़ियां जा रही हैं वो मुँह मांगा दाम मांगते हैं, जैसे 70,000 रुपये 12 टन का, 75,000 रुपये 12 टन का। बड़ी गाड़ी के लिए मैं आपको इसलिए नहीं हामी भरूंगा क्योंकि आपका पहला ट्रेड होगा, आप 10 टन या 12 टन से स्टार्ट करिए, थोड़ा मिलेगा बना लीजिए, सिर्फ साइकिल चलने की ज़रूरत है आपको। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, अभी फार्मर की साइट पे रोज़ जाता हूँ, देखता हूँ। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए या उसको लाइव देखना है तो वो मुझे वीडियो कॉल कर सकता है, मुझसे लेना है तो मुझसे ले ले, डायरेक्ट आकर के उसको करना है तो वो डायरेक्ट कर ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिस्क मैंने आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें अगर आप शुरू में ना उठाएँ तो ज़्यादा बेटर है, आप किसी मीडिएटर को बीच में डाल करके ही करिए। क्योंकि किसान आपसे कभी ये नहीं कहता है कि भैया मैं 20% छोड़ दूंगा क्वालिटी के लिए या डैमेज के लिए, वो कहता है पूरा पैसा डालो पहले मेरे अकाउंट में तब मैं काटना चालू करूंगा, मतलब जो कटिंग होती है नारियल की तब वो कटिंग स्टार्ट करता है, ये यहाँ के फार्मर हैं। दूसरी चीज, यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं कह सकते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि मैं आपको कल माल प्रोवाइड कराऊंगा तो उनके घुसना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, तब जा करके वो काम करते हैं, बड़े कामचोर टाइप के हैं यार, जो भी समझ लो आप। तो कई सारी चीज़ें मैटर करती, मान लीजिए उसने आज काटा कल काटा, लॉरी नहीं प्रोवाइड हो पाई तो माल भी आपका ख़राब हो जाएगा, बारिश हो गई तो भी आपको दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको अपने दिमाग में रख करके सोचना पड़ता है। शुरुआत में आपको कम मिले आप मीडिएटर डाल लीजिए, किसी को भी डाल लीजिए, और अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप ऑन द स्पॉट चले जाइए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये चीज़ें गुजरात की तरफ से भी आती, लेकिन गुजरात की तरफ का जो माल होता है बहुत बेहतरीन माल होता है, बट दिक्कत ये है यूपी वाले जो हैं वो अच्छा माल खा नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलें तो गुजरात से जो माल आपको पड़ेगा वो 31 से 32 रुपये में लॉरी के साथ में 12 टन की जो गाड़ी होती है उसका पूरा ऑल टोटल मिला करके इतना पड़ेगा एक पीस का, और जो उसकी रीसेल वैल्यू होगी वो 50-60 रुपये के आसपास किसकी होगी, और जो रिटेलर्स होते हैं जो रोड पे लगाते हैं वो उतने में बेचते हैं, लेकिन मंडी में उसको ख़रीदने के लिए या कह लें आप जो बायर्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो खेल खेलते हैं वो ए ग्रेड और बी ग्रेड को मिक्स कर देते हैं, ताकि जो और अपना जो टारगेट प्राइस रखते हैं वो 25 रुपये या 26 रुपये इतना ही रखते हैं। मैं यही कर रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये गाड़ी दे रहा हूँ, अपना जो लखनऊ में बिजनेसमैन है मैं उसको गाड़ी प्रोवाइड कराता हूँ, वो 2 दिन के अंदर मैक्सिमम बेच देता है, 2-3 गाड़ियाँ मेरी हो भी गई हैं तो मुझे अब इतना अंदाज़ा हो गया है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे जब गाड़ी पहुँचती है तो मेरे भी एम्प्लॉइज़ हैं वो खड़े रहते हैं मंडी में, ऐसा नहीं है कि भाई इधर भेज दिया वो उधर भेज दिया। इसमें एक चीज़ और भी होती है दोस्तों, 100 पीस के साथ आपको 5 पीस एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो आपकी मेन बचत आप कह लें वो एक तरीके से देखा जाए होती है। जैसे मान लीजिए 100 पे 5 तो 1,000 पे 50 हो गए, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको अपने फार्मर से कहनी होती है, लेकिन फार्मर दोस्तों आप बात कैसे करोगे, वो जानते तो तेलुगु हैं, इंग्लिश आती नहीं है उनको, तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा भी ढूंढ लीजिएगा जिसको तेलुगु आती हो और डिटेल में बात कर लीजिएगा। लाइक मैं आपको रिस्क बता देता हूँ, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, मान लीजिए फार्मर ने आज माल तोड़ा, कल बारिश हो गई, फिर परसों तोड़ा,
तो आपका जो ट्रक लोड होगा वो चौथे दिन होगा। इतने दिन, 3 दिन बीत गए, 3 दिन में लोड होगा, फिर 4 दिन आपका यूपी में किसी भी जगह पे पहुंचने में लगेगा। तो 4 2 6 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 दिन में आपको मिलेगा, फिर 2 दिन आप बेचोगे, 9 दिन हो गए, 15 दिन की इसकी मैक्सिमम जो है ख़राब होना ये चालू हो जाता है 15 दिन के बाद। तो ये सारी रिस्क हैं दोस्तों जो आपको मैनेज करके चलने पड़ते हैं। इसलिए आप या तो यहाँ पर आइए या तो किसी बीच में मीडिएटर को डाल करके ही बिज़नेस करिए, तभी आप प्रॉफिट उठा पाएंगे। क्योंकि ये मैं तो यहाँ हूँ 12 दिन से भैया, 5 दिन के बाद जो है मेरा पहला ट्रक लोड हुआ था। तो दोस्तों सारे रिस्क मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ रह गया हो अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे आकर के मुझसे पीएम में बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी गाइडेंस दे दूँगा। अगर आपको मुझसे बाई करना है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ, और मेरे ख्याल से अगले 1 महीने तक तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मैं जो ड्राई कोकोनट्स होते हैं उनको भी डील करने की सोच रहा हूँ। मेरे कुछ बायर से बातचीत चल रही है, जैसे ही बात ओके हो जाती है फिर मैं उनसे भी बात करूँगा, ड्राई कोकोनट्स भी यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। किसी भी तरीके की कोई जानकारी अगर रह गई हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।